ये देखिए, सबकी अपनी पर्सनल च्वाइस है, बट जो चीज़ मेरे साथ हुई, ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ भी हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता, लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम सरकमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता, बट डजन मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजन मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटैम्प्ट करो, तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो, तो वो सही है। तो उन्हें भी टाइम पे जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा उन्हें वो भी विश्वास करेंगे। तो जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कोई और भी लोग ऐसे हैं जो दबी आवाज के अंदर पीछे से सामने ना आ रहे हो मीडिया के, जैसे आपने हिम्मत दिखा दी ना कुछ आ रहे हो? सर मैं खुद एक प्लेयर हूं, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाए, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज़ के ऊपर, मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की, लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे, जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से, तो ये प्यार से इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोसफेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी, क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की, तो भी मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर में ही हूँ, और जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रही हूँ, तो इन्होंने हर वो चीज़ की, ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। मेरा सवाल यह है कि कुछ और लोग भी आपकी तरह जो कि सामने नहीं आ पा रहे डर के मारे? सर मुझे चीज़ें काफ़ी हर कोई बता रहा है, लेकिन सर ये लड़ाई अभी हाल फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मेरी अपनी लड़ाई है, लेकिन ऐसे हैं काफ़ी लोग हैं, लेकिन शायद वो सामने आने से अभी घबरा रहे हैं, पर मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि जैसे ये इंसान इस्तीफ़ा देगा, ये सलाखों के पीछे होगा, तो शायद वो लोग भी आएंगे, जरूर आएंगे। सर मंत्री जी को काफ़ी पहले से, जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं हमेशा, और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है, एज ए बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है, और आज भी मुझे पूरा विश्वास था ये डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे, टाइम देंगे, और जो भी हक की बात है, न्याय की बात है, ये उसके पक्ष में जरूर मदद करेंगे, और इन्होंने वही किया। और मुझे जी मैम क्या है पूरा मामला थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों? जी ये थोड़ा सा काफ़ी, मतलब इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के, तो काफ़ी बारी उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो एक होता ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा, है ना, आप जितना अवॉइड करोगे करोगे करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो उन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफिशियली मेंटली फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हैरान किया है, तो एक एंड होता है हर चीज़ का जो मेरा हो चुका था अभी। जी जी मंत्री जी ने क्या आप कहा और क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? मुझे पूरा विश्वास है उनके खिलाफ पर्चा दाखिल हो चुका है, मैंने अभी मुझे यहीं से पता चला है, और पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे अपने देश के सिस्टम पे, कानून पे, हमारी सरकार पे, हमारे सब मीडिया भाइयों पे, पूरी आम जनता पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग कर रहा, तो आप क्या मानते हैं? देखिए मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी रहे हैं, हमने सारी उम्र हमेशा सिर्फ ग्राउंड को दी है, तो लेकिन ये जब तक इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो सिंपल सी बात है इसमें मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन होएगी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये मेरी खुद की भी राय है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं खुद भी नहीं बनूंगी। इस्तीफे की मांग करते जी बिल्कुल, इनको इस्तीफा और साथ ही जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये इंसान सबको पता चलना चाहिए कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मैं उस चीज़ पे पूरा स्टैंड लूंगी और आखिरी दम तक मैं इस चीज़ पे लड़ाई करूँ। Thank you.